क्षेत्रवासियों का हार्दिक स्वागत किया जा रहा है और मेरा जो व्यक्तिगत कला जो आप लोगों को हमेशा सूचित किया गया है कि जहां पर महिलाओं का सम्मान दिख रहा है वहां पर हमारा कोई भी जिंस भाई नहीं जाएगा। जहां पर हमारी संस्कृति का सम्मान महिलाओं का मिल रहा है वहां पर हमारा कोई भी जिंस भाई नहीं आएगा। और हमारे इस मेला कमेटी में कई पप्पू और मम्मी जी जहाँ हो शौर्य से किसके पास आ जाए। बहुत ही आयुष्मान मिलन का नजारा आपको दुनिया की पावन धरती में देखने को मिल रहा है। क्या नाम है? मैं शोरगढ़ ठेकेदार संघ बोलता हूँ। मैं बल्लू सोपर ठेकेदार और मनोज सोपर दुनिया दोनों से हमारी अपील है कि जहाँ पर इंजन वाले झूला चल रहे हैं कृपया वहाँ पर पहुंचे और महिलाओं को 70% अधिकार झूले का ज्यादा दिया जाए और लड़कों को भी अधिकार दिया जाए लेकिन उनसे थोड़ा कम ताकि महिलाएं झूल करके अपने घर समय से पहुंच सके। कोई भी लड़का झूला के पास मोबाइल से फुफ्फू खींचते हुए न मिलना चाहिए क्योंकि कई लोगों ने विरोध किया है। हमारी बहने हमारी माताएं झूला झूल रही हैं, किसी को अपना फुफ्फू खींचवाना पसंद नहीं है इसलिए कोई व्यक्ति वहां फुफ्फू नहीं खींचेगा। देखिए जो छोटे छोटे बच्चे जो मेले में टहल रहे कृपया उनकी माताएं या उनके भाई या उनके पिता बच्चों का हाथ पकड़ के ही रोड में घूमे। अभी दो चल रहा है बीच में भगवान श्री ठाकुर महाराज श्री कृष्ण राधा मूर्ति की विशाल झांकी आपको मेला प्रांगण से निकाली जाएगी। बहुत ही आयुषान दुनिया का मेला जो कि खुश इतना सम्मानित समस्त सम्मानित नागरिकों का मेला कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं वंदन किया जा रहा है। देखिए जहां पर हमारी माताओं बहनों का सम्मान मिल रहा है वहां पर कोई जेंट्स नहीं जाएगा। किसी भी दुकानदार को या किसी भाई को अपना प्रचार करवाना है तो कृपया साउंड सर्विस के पास संपर्क कर ले। भाई अलाउंसर महोदय कृपया आइए आइए थोड़ा सा अपने लिए अमूल समय दीजिए। स्वागत है मेरे इस मेला में। लखनऊ से आ रही नृत्यकायिकाओं का भी यहाँ कला देखा जाएगा। बहुत ही आलीशान व्यवस्थाएं चल रही हैं। ये दुनिया की पावन धरती का मेला है। मैं ठेकिया वाले भाइयों से अपील करूंगा कि जो नौजवान ठेकिया वाले हैं कृपया वो ठेकियों को स्थायी ना खड़ा करें और जो बुजुर्ग है वो अपना स्थाई लगा ले।
क्योंकि प्रतापन में उनको बार बार घुमाने चलाने में दिक्कत हो गई, इसलिए जो प्रेत है वो स्थायी रखे, जो नौजवान है वो धीरे धीरे खैया को करकाते हुए।